जो इज्जत और प्यार आपके आंखों में था उस पूरे वीडियो में <laughs> तो I'm I'm sure माने I'm sure a lot of your inspiration comes from the way he has lived his life also हम लोगों ने साथ में एक वीडियो शूट किया था तो मुझे मुझे तो जब मैं इंटरव्यू करने गया था तो मैं उसमें एक सवाल था वो मेरे नाम के आउट था क्योंकि मुझे लगा था इनको नाम तो मेरा याद नहीं होगा <laughs>

मेरे आज के गेस्ट बहुत ही स्पेशल है शो में भी काफ़ी वाइज है और रियल लाइफ में भी काफ़ी वाइज है ऑफकोर्स दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड द कास्ट ऑफ कोटा फैक्ट्री सीजन थ्री थैंक यू फॉर डूइंग दिस थैंक यू सच बात है विजडम तो थिंग दैट आई वुड वांट टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल विद यू ऑल इज द सब्जेक्ट दैट द सीरीज ऑल्सो हैज विच इज अबाउट सक्सेस एंड फेलियर आप उसमें आई थिंक काफ़ी सीजन आई थिंक द एंटायर शो डिस्कस अ लॉट अबाउट

मेरी प्लेसमेंट नहीं थी आई में और मेरे लिए उस मोमेंट पे सक्सेस ये थी कि यार ऑफ कोर्स एक जॉब लग जाए जी ताकि वैसा ना फील हो कि आईआईटी में आया और वहाँ से यू नो बिना प्लेसमेंट के चला गया क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आईआईटी में जो भी जाता है उनकी प्लेसमेंट हंड्रेड परसेंट होती है ठीक है और मैं उन मतलब हम हम लोगों का ग्यारह सौ लोगों का बैच गया था आई में मैं उन सात आठ लोगों में से हूँ जिनकी प्लेसमेंट नहीं थी <laughs> तो मैं वो जो फीलिंग है उसके साथ नहीं जाना जा रहा था तो उस टाइम पे मेरे लिए सिर्फ सक्सेस ही थी कि कोई भी जॉब लग जाए और मैं अपने आप को सक्सेसफुल फील करूँगा बट आई थिंक वैसा हुआ नहीं एंड फिर किसी ने बोला कि चलो ऐसा कुछ हो रहा है और अपन यूट्यूब नई चीज़ बन रही है और वहाँ पर अपन तुम एक्टिंग करना मैं लिखूँगा ऐसा मेरे एक फ्रेंड ने बोला और उसके कहने पर मैं चला आया पर सो एज एन एक्टर सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं थी मतलब क्योंकि इम्प्राम टू हुई चीज़ और मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था बट नाव जब मैं uh, हालांकि मैं पूरे दस साल मैं मतलब दस साल से एक्टिंग कर रहा हूँ और दस साल मैंने हमेशा झिझकता हूँ कहीं भी अपने आप को एक्टर बुलाने में मैं कभी भी पब्लिकली मतलब क्लेम नहीं करता कि मैं एक्टर मैं हमेशा बोलता हूँ कि कर लेता हूँ और जो भी अगर राइटिंग अच्छी है डायरेक्शन अच्छा है तो मैं यू you नो know, दिख जाता हूँ अदरवाइज मैं कभी भी क्लेम नहीं करता बट नाव लाइक uh, आफ्टर like जो भी uh, ये पूरी जर्नी जो रही है उसके बाद में uh, मेरे लिए सक्सेस वही है कि यार मैं अपने uh, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाऊँ मुझे कुछ uh, दिलचस्पी है फिल्मों में uh, मैं जिस तरह की फिल्में देखना पसंद करता हूँ ठीक है या जिस तरह के कैरेक्टर्स मुझे पसंद आते हैं जो मेरे अराउंड होते हैं मुझे लगता है कि हाँ इनके अराउंड सिनेमा एग्जिस्ट करता है जो रियल लाइफ में जो कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं मेरे अराउंड तो अगर मैं उस तरह की कहानियाँ उस तरह की कैरेक्टर्स लोगों के सामने रख के उनको एंटरटेन कर पाऊँ उन चीज़ों से तो आई थिंक वो मेरे लिए सक्सेस है और वो सारी अपॉर्चुनिटीज तक पहुँचना मेरे लिए सक्सेस है this will be 24 years since i did my first film hmm. and i thought i was very successful when i you know i was 19 and i got my first film i, I thought this that. is it my life is made i'm all i'm successful at 19 yeah i can just retire you know but I didn't know that it's going to be so tough after that that mm. there will be periods in my life where three years will go by without a single phone call mm. you know that this life of an actor the unpredictability of it mm. uh, so in all this I have nothing no wisdom to share at all because I actually realized that I know as time passes I know even less mm. maybe observations then so, the sense of uncertainty principle, of science, that, yeah. that uncertainty, I have begun to enjoy that. That this is a constant. And for me, if I have to push comes to shove and I have to, like, where do I feel successful? Is that I didn't give up. Mm. I didn't give up on something that I really enjoyed doing. Just because the world didn't feel I was deserving of it, mm. I didn't stop thinking that I was deserving of it. Because otherwise, in these 20, Four years, there were so many years, you know, where you have nothing, right? You could, I could have given up. So mm. for me, success has just been uh, that power to stay on, mm. to have uh, your own sense of, but this is what I love doing. Mm. And I want to be able to do that. So for me, uh, really, it's been that. And failure, though, it's like,

अगर देवी देवताओं को हमारे देखेंगे पुराने तो उनके दस हाथ होते थे करेक्ट वो दस हाथ का मतलब ये नहीं था कि ह्यूमन देर इज नो फेलियर ओनली सक्सेस माई आपने ये बात की तो मुझे लगा इसमें थोड़ा एक स्कोप है एक और सवाल डालने का जैसे कि आपने ट्रेलर में भी आपने मुद्दे को उठाया है

मुद्दा यह है कि वॉट काइंड ऑफ वर्क यू आर गो फॉर द फर्स्ट सीजन ऑफ कोटा फैक्ट्री फॉर एग्जाम्पल डिड यू गाइज एवर डू इट फॉर नंबर्स डिड इट एंड शो वॉज पिक्ड एंड टूड इट इज वेर इट इज यू नो सो वो गलत नहीं कहा हुआ है कि कर्म किया जाओ और फल की चिंता ना कर थोड़ा सा मॉडर्न युग में मैं कह सकता तो कर्म बेवकूफों की, की चिंता ना सारा भाई की बात कर रहे हैं जी. तो भाई बीस साल पहले जब किया था तो वो शो फ्लॉप हो गया था या exactly. yeah, 70 एपिसोड्स में इसीलिए बंद हुआ था क्योंकि शो नहीं वर्क कर रहा था mm -hmm. उसके सात साल के बाद अचानक इट बिकेम हिट और इट बिकेम समथिंग

आप क्लासिकल म्यूजिक जानते हो बाथरूम सिंगिंग हर कोई कर लेता है बट शास्त्रीय संगीत तो आप बंगाल से हैं आपको ज्यादा आइडिया होगा शास्त्रीय संगीत ज्यादा लोग <laughs> नहीं जा सकते तो कॉमेडी कर लेना मतलब कि आप कंप्लीट हैं अपने विधा में कहीं ना कहीं उस चीज का एज होना चाहिए बचाते कि उसको उस दृष्टि से देखें हम कि

जीतू भैया हमारे लिए ओटीटी के एसआरके आह हो हो क्या बात है अब आप इतने बड़े एसआरके फैन हो मुझे लगा ये तो मुद्दा उठाना पड़ेगा <laughs> इस बार कि ये कमेंट रात को नींद आएगी सुनते कि लोग ऐसा बोल रहे हैं नहीं आई थिंक काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बट आई थिंक आई एम नोवेयर नियर मिस्टर एसआरके सो so, uh, मतलब इट्स रियली नाइस ऑफ देम कि उनको मेरे सारे कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं और उनको मुझे इतना प्यार मिलता है और वो मुझे उस तरीके से uh, परसीव करते हैं तो ये अच्छी बात है बट uh, कहीं ना कहीं ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि जब मैं मुंबई आया था तो मेरा ये था कि मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ मतलब जो स्कूलिंग uh, होती है या या कोई एक एक्टिंग की अगर कोई यू you नो know, ट्रेनिंग होती वो मेरे पास नहीं थी तो शुरू में वो एक झिझक होती है कि पता नहीं हाँ मतलब हम कैसे जाएंगे किससे मिलेंगे और अगर हम कि कोई हमें मिल भी गया किसी ने कुछ काम भी दे दिया तो हम उसको ठीक से परफॉर्म कर भी पाएंगे या नहीं तो ये सारे डाउट्स ऑफ कोर्स सारे एक्टर्स के मन में होते होंगे सो so, मुझ में भी थे पर वहां से आ, मुझे जरूर ये था कि रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो लोगों तक कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा है लोगों तक वो इमोशंस पहुंच रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत जरूरी था कहीं ना कहीं कि अगर वो चीज हो रही है तो मैं थोड़ा रुकूंगा अदरवाइज अफकोर्स मैं ट्राई करूंगा कि मैं अगर मुझे एक्टिंग ही करनी है तो मैं फिर थोड़ा सा ट्रेन होकर आऊँ मैं पढ़ाई करूँ थोड़ा सीखूँ ठीक है जो जिनको एक्टिंग के बारे में पता है उनसे थोड़ी बातें करके उनसे उनसे चीज़ें सीखी जाएंगी कैसे कैमरा को फ़ेस किया जाता है कैसे क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं तो मैं वो सीख के आऊँ तो ये दोनों चीज़ें थी मेरे दिमाग में एंड आई थिंक फ्रॉम लाइक सेकेंड और थर्ड वीडियो से ही लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगने लगी थी आई थिंक uh, uh, वैसे कमेंट आने लगे थे कि हाँ ये हमने बहुत दिनों बाद कुछ ऐसी एक्टिंग देखी है तो वो काफ़ी उस उस उन इन कमेंट्स ने काफ़ी इंस्पायर किया मुझे जनरली मुझे मुझे काफ़ी ड्राइव आया टू तो वर्ड्स एक्टिंग की मुझे आगे जाना है और उसमें इम्प्रूव करना है इसको सीखते हुए और आ, अलग अलग तरह के किरदार कहते हुए अलग अलग कहानियाँ बतानी हैं तो ये इन सारी चीज़ों ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया उस रियलिटी चेक में ऑडियंस के ये इस सवाल इसलिए पूछा कि मुझे याद है वो वीडियो जब आप उनके साथ बैठ के उनका इंटरव्यू करे थे शाहरुख का जो इज्जत और प्यार आपके आंखों में था उस पूरे वीडियो में

वो मेरे नाम के राउंड था क्योंकि मुझे लगा था इनको नाम तो मेरा याद नहीं होगा <laughs> तो मैंने कुछ एक फन जोक और फन क्वेश्चन रेडी किया हुआ था उनके लिए तो वो तो क्योंकि मुझे पता था कि नाम तो नहीं याद होगा तो मैं उसके अराउंड कुछ फन एक सेगमेंट कर लेंगे वो आए और बोले और जीतू कैसा है मुझे लगा की उनको मेरा नाम याद है क्योंकि एक बार पहले काम किया हुआ तो उनको मेरा नाम याद रहा पर लाइक मेरा एक सेगमेंट चला गया था यार एक फन सेगमेंट मैं तैयार करके लाया था मैंने कुछ और फिर, फिर हम सवाल पूछ रहे थे जो कॉमेडी कर सकता है और वो सब कुछ कर सकता है और मतलब काफी उन्होंने भी इंस्पायर किया था क्योंकि उनको लग गया था कि हम शायद कुछ सीख कर रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं उनसे अबाउट एक्टिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री तो बहुत प्यार से उन्होंने सारी चीजें समझाई एंड uh, uh, उन्होंने भी बोला और मुझे भी लगता है कि बहुत ही मतलब जनरली बहुत कॉमेडी uh, को बहुत नीचे रखा जाता है मुझे लगता है कि बहुत टफ काम है सब अगर सबसे कोई टफ जॉनर है तो वो कॉमेडी है ठीक है बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को हंसाना और वो परफॉर्म करना मतलब मुझे लगता है तो सभी रहे हाँ मुझे लगता है कि तो बहुत बाकी कैरेक्टर करने में तुम्हें बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है बट कॉमेडी इट्स यू मतलब तुम और कोई सपोर्ट करने आएगा नहीं तुम्हें खुद परफॉर्म करना पड़ेगा तो सबसे डिफिकल्ट जॉनर है बिल्कुल जो यहाँ पे दिखाया गया आई थिंक द स्टूडेंट प्रेशर एंड द फैक्ट दैट इट्स एज एक्टर्स यू ऑल रियलाइज कि आपके फील्ड में हर फील्ड में उस तरह का प्रेशर है एंड सो इट एक्टर्स वी हियर सो मच ऑफ केसेस हमको इज नॉट परफेक्ट हमें बोला जाता है कि चेंज करो यू नॉट प्रफ़ यू सर्वाइव यू नो वर इट इज तो इस तरह से आई एम श्योर यू हर्ड सिमिलर थिंग्स बट यू हैव बिन सम आई थिंक इज एन इंस्पिरेशन टू ऑफ एक्टर्स जस्ट डेफर एक्ट

but after having done my master second Master's, then i was like you know but i why am i not acting is it because i'm afraid i'll fail uh, you know so it, let's fail yeah. uh, so i decided to stop and i came back to bombay and uh, came to bombay and then i was 30 and i was told that 30 uh, is too old mm. to play the older characters uh, you know, too young to play the older characters, too uh, old to play the younger characters. So this is like this is it's like once you come out of your twilight zone, <laughs> it's like <laughs> oh, wow. the twilight zone. Then we can do something, and also babe, you can't be like carrying your own bhaji and going and you know, like like buying your own vegetables and you know, like your yeah, teeth. You can get your teeth done. Yeah. Because obviously you mm. won't be able to smile much if your uh, thing is like this, and you know. Get some enhancements mm -hmm. done, and the thing is, you see, I my my mother, who's my most uh, dear friend and huge inspiration, I, I see her at seventy, shining, mm. glowing. She's never gone for a facial, mm. you know. there Has no time for a parlor salon, and uh, I see my aunts. They're all. Mm. They work really hard. They love really hard, and having those people in my life ha having a loving partner having really wonderful friends was the safety net uh, you know every time someone said something like that and you you know you start believing at some point especially when you don't get work then you start thinking maybe there's some truth in what they're mm -hmm. saying maybe it's because i'm not friendly enough my personality is not bubbly i'm a bit serious i am serious now what to do <laughs> you know and and then god forbid if you're intellectual oh yes of course because i mean how yeah i mean at least then <laughs> dumb it down you know then you're not good looking you know and then you don't want you're so arrogant that you don't want to get you know things done things done mm. the thing is that i just felt and i really believe that the few directors i worked with they gave me that sense of magic that it's not me anyway. Mm. It's the film. It's, tra it's this, You transform into something mm. else. So how does it matter what I look like? You know, and if those few directors could place their trust on me, I'm sure my life, if I don't become bitter, and if I can continue to love mm. and be loving, and I don't become bitter because I was becoming bitter, that if I can keep that away, then other directors will also come along who will will trust that and see you know that i can universe. transform so how does it matter what Tirutma looks like anyway i'm not playing Tirutma on screen you know and Tirutma has her life she has her family she has her friends mm. you know so she said mm. but and for the rest it's going to be different each time and that somehow now it started and then the most bizarre thing happened was that the thirties, that thirty to forty, was like what I was telling you. Every yeah. three years, I got one job. It never released in India. Uh, there was no OTT at that time. But in my forties, I got more work than I got in the twenty years together. So So you know this whole thing that I was told that thirties already gone. Mm. You're already too late. Uh, I'm so glad that uh, I. that wasn't my story and that I didn't believe in it, hmm. you know. But your story is so inspiring. We're very proud of you, the Thank you. Stakan. Thank you very much. And Thank you'll you. keep inspiring us. Okay. In fact, her educational background. Of course. So, hmm. uh, shoot के time पे पता चला था वो बहुत ज़्यादा impressive था. Yes. उसके बारे में भी please बात करना. जो New York में जो पढ़ाने का. मतलब मेरे लिए ये इस तरह के जो ये बातें कर रही हैं ना ये you know I had spoken to her about her education and that actually

पर अभी ऐसे व्हेन आई एम सिटिंग इन अ रूम लाइक दिस देन वी फील दैट इट्स ओके टू बी ऑड सो वी टेक चांसेस इट्स ओके यू नो हां हम ट्रेन्ड एक्टर नहीं है हम ट्रेन से आए हुए एक्टर हैं जी वाह प्रोफाउंड तो है वैसे बात बिल्कुल आप अगर इसको आंसर नहीं पता इट्स फाइन बट हमारे जो जो दो टीचर हैं जिन्होंने ऐसे शो में कुछ ऐसे चीजें मेंशन किया है इसी सीजन में

दिखना है तो प्रोसेस डैश हो जाएगा अगेंस्ट द कॉन्स्टेंट डैश थर्मो का, का चैप्टर चल रहा है ना ये hmm. इंट में दे रही हूँ आपको थर्मो का चैप्टर चल रहा है अगेंस्ट द कॉन्स्टेंट डैश दिखना है तो जी तो भैया प्रोसेस डैश हो जाएगा इसका क्या Against उत्तर